मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ अपने सहयोगी संगठनों के साथ प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने मांग की है सभी संगठनों के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न विद्युत कंपनियों के कार्यरत कर्मियों की जायज मांगों के निराकरण के लिए 6 जनवरी 2023 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आंदोलन प्रस्तावित किया गया था, जिसका मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर द्वारा भी पूर्ण समर्थन दिया गया था। 5 जनवरी को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा 15 दिवस के अंदर मांगों के संतुष्ट पूर्ण निराकरण के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करवाने और प्रत्येक मांग पर सकारात्मक निराकरण का आश्वासन दिया था, जिसके चलते आंदोलनरत 5 संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से ऊर्जा सचिव के सम्मान में 15 दिवस के लिए आंदोलन को निरंतर मानते हुए कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया। लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। संगठन के लोगों ने बताया कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन एवं वेतन वृद्धि व 20 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराए जाए, विभिन्न विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नियमितीकरण भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुसार तत्काल किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं संगठन की और क्या मांगे हैं और उन्होंने क्या कहा है। अनुशूल प्रसाद सहायक अभियंता, ये धरना प्रदर्शन हम लोग की मुख्यतः 5 मांगे थी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की। मुख्यतः इसमें जो आउटसोर्स हुआ हमारे जो कर्मचारी है उनकी संविलियन की मांग थी, संविदा जितने भी अधिकारी कर्मचारी है उनको रेगुलराइजेशन करने की मांग थी, जो फ्रिज बेनिफिट है जो उसको फिर से चालू करना है, पुरानी पेंशन योजना है उसको चालू करना है, जो वेतन में अनियमितता है उसको सही करना है। इन मांगों के लिए 6 जनवरी से हमारा हड़ताल प्रस्तावित था, पर उस समय जो कार्यक्रम इंदौर में होने वाला था उसमें हमारे संगठन को यह आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारी बैठक कराई जाएगी, कोई पॉजिटिव निर्णय आएगा, पर 15 दिनों के अंदर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं आया, ना ही हम लोग को बैठक के लिए बुलाया गया, तो हम लोगों को विवश होकर आज 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए आना पड़ा है। कितने दिन तक धरना चलेगा? ये अनिश्चितकालीन तक के लिए, जब तक हमारी मांगों का कोई भी पॉजिटिव निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। कितने अधिकारी हैं ये पूरे मध्य प्रदेश में? जितने भी संविदा अधिकारी है और जितने भी आउटसोर्स हमारे हैं जिसमें वो सारे कर्मचारी लोग हैं। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास है? नहीं, हम अभी तक किसी के तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। मांगनी, अभी हम लोग कंटिन्यूस हड़ताल में बने रहेंगे। अंशुल प्रसाद सहायक अभियंता। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।